स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर थर्टीन का टॉपिक पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स इस टॉपिक को समझने के लिए इस फिगर को देखते हैं हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं हम जिसके अक्रॉस सीरीज में हम बैटरी को और रजिस्टर आर को अटैच कर देते हैं एक स्टेडी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा सर्किट में जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप हो जाएगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ रजिस्टर आर अब हम यहाँ पे आ, अस पोज दैट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जिस तरह आप बैटरी को देखें एक साइड की बैटरी है हाई पोटेंशियल पे और दूसरी है एट लो पोटेंशियल तो अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल क्यू यहाँ से लो पोटेंशियल से लिफ्ट होता है और हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है तो हाई पोटेंशियल से ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा और फ्लो होते हुए रजिस्टर में से पास करके अपनी एनर्जी को डेसीपेट करेगा और यहाँ से पास होते हुए ये लो पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव uh, कर रहा है और रजिस्टर में से भी पास आउट कर रहा है तो जब ये लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो होना तो ये चाहिए कि लो पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ स्टिक हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा होगा नहीं यहाँ पर दोबारा से वर्क डन होगा वर्क डन की वजह से दोबारा चार्ज लो से हाई पोटेंशियल की तरफ लिफ्ट होगा और वो दोबारा से चार्ज मूव करता हुआ रजिस्टर में से अपनी एनर्जी को डेसीपेट करता हुआ दोबारा लो पोटेंशियल की तरफ आएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अब हम यहाँ पर फर्ज uh, करें कि वो चार्ज जो हम यहाँ पे ले रहे हैं उसको हम डेल्टा क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर यहाँ से हम वर्क डन का रिलेशन निकालें तो वो V इंटू डेल्टा Q के बराबर होगा अब हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर एज द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जितनी एनर्जी सप्लाई हुई है उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दें जितना टाइम टेकन हुआ है टाइम लिया गया है उसके साथ डिवाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रिकल पावर या पावर आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास तो अब हम अगर इलेक्ट्रिकल पावर को निकालना चाह रहे हैं इज़ ये है इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन एनर्जी सप्लाइड अभी हमने बताया यहाँ पे जो वर्क डन हमने किया है वो है वी इंटू डेल्टा क्यू तो एनर्जी सप्लाइड की जगह हम वी इंटू डेल्टा क्यू पुट करते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अब हम पहले से ही जानते हैं डेल क्यू ओवर डेल्टी इज इक्वल टू करंट आई सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू आई वी तो ये तो हमने इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ लिया इसकी इक्वेशन आ गई है वोल्टेज इंटू करंट की इक्वल वी रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को अब हम यहाँ पे देखते हैं डेसीपेशन के कॉन्सेप्ट को डेसीपेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देखें रजिस्टर में क्योंकि रजिस्टर क्या करता है ओपोजिशन ऑफर करता है टू तो द फ्लो ऑफ चार्ज टू तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू तो द फ्लो ऑफ करंट तो ऑपोजिशन की वजह से होता क्या है कि यहाँ पर इसकी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी इसको सप्लाई की गई है लो से हाई पोटेंशियल पे आने के लिए वो रेजिस्टर में से पास होते हुए हो जाएगी तो जो इक्वेशन आपने इलेक्ट्रिकल पावर की लिखी हुई है उसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू पावर डेसिपेशन सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ पावर डेसिपेशन एज पी इज इक्वल टू आई बी पावर डेसिपेशन को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो इक्वल हो जाएगा आई वी के बाय ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर और हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी ओवर आर पहले हम लोग पी इज इक्वल टू आई वी वाली इक्वेशन में आई की जगह पुट करते हैं यहाँ पर सॉरी वी की जगह पहले हम पुट करते हैं आई आर तो यहाँ पर वी की जगह जब हम आई आर पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी पी इज इक्वल टू आई स्केर आर ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी पावर डेसिपेशन की और इसके अलावा जो हमने दूसरी इक्वेशन लिखी है कि आई वी ओवर आर के बराबर है तो जब आप यहाँ पर I की जगह V ओवर R पुट करेंगे तो पावर डेसीपेशन इक्वल हो जाएगी V स्केयर ओवर R के इक्वल तो हमारे पास तीन इक्वेशन है कैलकुलेट करने के लिए पावर डेसीपेशन इन अ रेजिस्टर और वो इक्वेशंस क्या हैं P इज इक्वल टू आई वी एक और इक्वेशन है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर और थर्ड इक्वेशन है P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर अब डिफरेंट जगह पर जिस तरह कभी आपके रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं सीरीज में कभी वो पैरा में कनेक्ट होते हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं वी को हम वॉल्ट में एक्सप्रेस करते हैं करंट को हम मयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पियर तो पावर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वॉट से तो पावर का यूनिट होता है वॉट तो ये हमारा टॉपिक uh, था इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स का